हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कीप इट रोलिंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग का डे 4 है और हम लोग अभी है मंगन में। कल रात आपको रूम का वीडियो नहीं दिखाया था क्योंकि बहुत अंधेरा था, तो हम लोग का रूम कुछ ऐसा दिखता है। ये एक बेड, एक टेबल, शी इज गेटिंग रेडी, और बाहर का व्यू। और रूम से भी अच्छा व्यू है बाथरूम में, इंडियन स्टाइल। तो आज का राइड भी बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम है और अभी यहाँ पर है 18 डिग्री और लाचेन में है 8 डिग्री। डायरेक्ट 10 डिग्री घट जाएगा। तो सी यू ऑन गोप्रो मोड। सो गाइस, जस्ट अभी मंगन क्रॉस किया। मंगन, तो मंगन में लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके आगे आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। सो जो भी फिल अप करवाना है तो मंगन में करवा लीजिए। और परमिट का बारे में बताता हूँ थोड़ा देर बाद, एक जगह बैठ के शांति से बात करते हैं। Look at this place, guys. Wow. वो देखो तीस्ता रिवर नीचे। The mighty Himalayas. वो साइड में थोड़ा क्लाउडी है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। So guys, let me tell you about the permit. How you can get it for free. तो परमिट कुछ ऐसा दिखता है। यह है परमिट और ये आपको मंगन में किसी को भी पूछने से बोल देगा। डीसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस ढूंढना है वहाँ पर। मंगन में आके आप किसी को भी पूछिएगा तो आपको वो जगह बता देगा। और परमिट बनाने के लिए दो कॉपी फ़ोटो, आपका पासपोर्ट साइज़, और गाड़ी, अगर आप कोई गाड़ी लेकर जा रहे हो, गाड़ी का पूरा सब पेपर्स, जेरोक्स दो कॉपी, और अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी और आधार। वोटर आईडी होने से अच्छा है क्योंकि हमको वहाँ पर वोटर आईडी मांग रहा था, पर आधार से भी हो जाता है। और सिक्किम आने से पहले एक अराइवल कार्ड आपको बनवाना पड़ता है। आपका वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, 10 मिनट में आ जाता है। और वेबसाइट का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और अराइवल कार्ड आपका ज़रूरी है सिक्किम आने के लिए, क्योंकि मैं जब परमिट बनवाने गया था तब मुझे वहाँ पर डीएम ने, जब साइन कर रहा था परमिट में, तब डीएम ने बोला था अराइवल कार्ड भी चाहिए, तो फिर भी साइन करके दिया और बोला कि सेम नाइट में अराइवल कार्ड बनवा लेना, नहीं तो चेक पोस्ट में पकड़ेगा। और मैं तो मंगन तक आ गया था विदाउट अराइवल कार्ड, हमको पता नहीं था इसलिए। और एक बात, डीसी ऑफिस 4 बजे बंद हो जाता है, तो अगर आप परमिट बनवाना चाहते हो तो 4 बजे के पहले डीसी ऑफिस चले जाओ, वहाँ पर पूरा फ्री प्रोसेस है। वहाँ पर जाके आधा घंटा टाइम लगेगा और आपका परमिट वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आप दूसरा जगह से करवाएंगे लाइक पुलिस चेक पोस्ट या कोई होटल, होटल के थ्रू, होटल मैनेजर के थ्रू करवाएंगे तो आपको पैसा लेगा। कितना पैसा लेगा हमको तो पता नहीं है, पर लेगा अराउंड 500-600 पर हेड ऐसा ले सकता है। तो फ्री परमिट के लिए मंगन आइए और डीसी ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए। सो गाइस, सी यू ऑन द वे।
धक 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 करके आवाज करता है। ये रोड, ये सब रोड में रियर व्हील बहुत ही स्किड कर रहा है। आई, 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 पूरा डांस करता है। वो सामने देखो एक छोटा सा वाटरफॉल। ये देखो अभी विंटर सीजन है तो बहुत ही कम पानी है यहाँ पे। वहाँ से पूरा नीचे जाता है, कितना बड़ा बड़ा पत्थर है यहाँ पर। जब लैंडस्लाइड होता है इतना स्पीड से लुढ़कता है इतना बड़ा बड़ा पत्थर, नहीं देखने से विश्वास नहीं होगा। अभी तो यह शुरू हुआ, ऐसा बहुत सारा वाटर क्रॉसिंग ऊपर और मिलने वाला है। मानुल, ये जगह का नाम है मानुल। कितना सारा ट्रक है देखो, सब खराब हो गया है। ये सालों भर यही पड़ा रहेगा। अभी जितना ऊपर जा रहा है उतना व्यू अच्छा होता जा रहा है। देखो देखो अभी चिल्लाएगा वो, देखा देखो छोटा छोटा वाटरफॉल। देखो वहां पर एक है, देखो ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे मेरे ऊपर। मियोंग विलेज, काश मैं मियोंग यहाँ का कोई विलेज का रहने वाला होता। ये पहाड़ काट के रास्ता बनाया है, ये पूरा काट के रास्ता बनाया है अंदर से, मतलब मिडिल से। अभी तक उतना ठंडा नहीं हुआ है इसलिए ग्लव्स नहीं पहना मैं, थोड़ा देर बाद तो पहनना ही पड़ेगा क्योंकि ठंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कुछ ऊपर जाने का रास्ता है, कुछ बनाया होगा कुछ ऊपर। ज़्यादा देर तक उधर नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा देर तक देखा तो सीधा गिर जाऊँगा नीचे। अगर मैं सुपरमैन होता तो एकदम उड़ के चला जाता हूँ वो साइड पहाड़ में। देखो वो सब लैंडस्लाइड्स है, वो जो देख रहे हो आप लोग वो सब लैंडस्लाइड्स है। वहाँ पर एक छोटा सा झरना है, वाटरफॉल। हाँ इधर से लग रहा है, उधर सामने जाने से। हाँ वही वही। चलते हैं नागा विलेज। ये देखो गाइस कितना बड़ा वाटरफॉल। यहाँ से नीचे गिर रहा है पानी। सो लेट्स क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस। Let's go. Awesome, awesome man. ऐसा छोटा बड़ा वाटरफॉल आपको जाते जाते बहुत सारा मिल जाएगा।
मंगन में जब होटल में था तब लाचेन का वेदर रिपोर्ट चेक कर रहा था, वहाँ पर दिखा रहा था 3 बजे से स्नोफॉल होगा। तो देखते हैं स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि नहीं। ये क्या हुआ, रास्ता बंद है क्या? शायद कुछ कर रहे हैं। बहुत ही स्टीफ चढ़ाई है। ऑलवेज यूज फर्स्ट गियर टू क्लाइंब, देन उसके बाद आप गियर चेंज कर सकते हो। अभी हम लोग ये पहाड़ से वो पहाड़ जाने वाले हैं, टुंग विलेज। टुंग टुंग बाजे, टुंग टुंग बाजे। टुंग विलेज, टुंग विलेज, टुंग टुंग बाजे, टुंग टुंग बाजे। टुंगू विलेज नाम मस्त है, लेकिन अभी ये पहाड़ में क्लाइम करेंगे। ये लोग का आर्मी लोग का टो ट्रक, मेडिकल वैन एंड आर्मी ट्रक। ये सामने वाला जो चेक पोस्ट देख रहे हो आप लोग, वहां पर परमिट लेता है, परमिट जमा लेता है, और वहां से कोई भी प्लास्टिक बॉटल, हेलमेट में कोई कैमरा लगाना अलाउड नहीं है। हाँ, आप सिर्फ मोबाइल वीडियो कर सकते हो, और शायद DSLR से भी फुटेज ले सकते हो आप लोग। तो गाइज, प्लान तो था लाचेन जाने का, पर बहुत बारिश हो रहा था इसलिए ऐसा हम लोग चुंगथांग पे रुके हुए हैं। चुंगथांग होटल का नाम है पेमा होटल। ये मेरा बाइक, देखिए कितना बादल छाया हुआ है ऊपर, बारिश जस्ट अभी रुका। तो बहुत तेज बारिश हो रहा था और ठंडा भी लग रहा था, इसलिए यहाँ पर रुक गए।